खरगोन जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के महाराष्ट्र की सीमावर्ती लगे तीन गांवों लिमडिया गाड़ग्याम और खड़किया नदी गांव में पागल जंगली भेड़िया ने बीती रात कई लोगों को काट कर घायल कर दिया, जिनमें से 9 घायल ग्रामीणों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। इनमें आदिवासी बच्चे सहित महिलाएं और पुरुष शामिल है। बताया जा रहा है कि बाकी करीब 1 दर्जन घायलों को महाराष्ट्र के जलगांव में उपचार के लिए ग्रामीण लेकर गए हैं। यह सभी ग्रामीण अलग अलग गांवों में घर के बाहर सो रहे थे, तभी एक पागल भेड़िया ने आतंक मचाते हुए अचानक हमला कर दिया। हालांकि जिला अस्पताल खरगोन में भर्ती सभी 9 लोगों को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। भेड़िए के पागल होने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। मौके पर वन विभाग की टीम भी पागल भेड़िए की सर्चिंग में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। कितने लोग घायल हो गए? इससे हमारे यहाँ 4-5 हुआ और थोड़े बाकी उधर भी चल गए जलगांव। कितने लोगों को काट लिया? हरण कुंडे का 2, इन्हें 2 हमारे यहाँ, एक दूसरा फलियामा, हम 4-5 होने। क्या हो रहा, कहाँ का काट है, कौन काट रहा है? जानवर का क्या, हमको कहीं मालूम। रात में कहीं कुत्ता जाने आयो, सोए हुए को काटा गया। हाँ, सोए हुए को काटा। कहाँ इलाज को लाया इनको? कहाँ जान लाया, पट्टी वट्टी करा ले उधर। और भी लोग दूसरे के गांव के? दूसरा वो गांव के, वो काल निकल गया असला घरों कुंडिया का, दूसरा गांव ले गया वो घर पर गया, उसको जरा कम काटा है। तुम्हारे गाँव में कितने लोगों काटा है? हम 4-5 लोग को, तो दुए उधर के बाहर गया जलगांव तरफ निकल गया। जलगांव भी इलाज करा रहे थे? हो गया उधर कोई कोई। क्या नाम है आपको? जुगड़िया। कहाँ रहते हो? खड़किया नदी। काटा था, यहाँ पर लाए सब जिला अस्पताल में उपचार के लिए। करीबन 9 मरीज आए हैं, छेड़िया गांव के हैं, भेड़िए ने काट लिया है, बाकी सभी सामान्य स्थिति में है। एंटी रेबीज वैक्सीन लग चुका है, जो प्राथमिक उपचार है वो चल रहा है, बाकी सब स्थिति सामान्य है सबकी। क्या सर, क्या जा सकता है, कोई जंगली पागल हो गया, जंगली जानवर हो गया? हो सकता है, भेड़िए के काटने का है, गर्मी की वजह से हो सकता है पागल। ठीक, और कुछ गंभीर तो नहीं? कोई गंभीर नहीं है। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जो प्राथमिक उपचार होता है वो सब दिया जा चुका है, रेबीज वैक्सीन भी लग गया है उनको, इम्यूनोग्लोबिन भी लग गया है, बाकी मरीज सामान्य स्थिति में है सभी। डॉक्टर विनय वास्कल है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।